काफ़ी देर हो गया है, मैं अपने हॉस्टल से निकला हुआ हूँ, मेरा बैग वहीं रखा हुआ है। ज़्यादा देर वहाँ बैग रख के अपना टाइम पास करना सही नहीं है, तो मैं फिर से मेरे हॉस्टल जा रहा हूँ, बैग लूँगा। मेरा आज रहने का ठिकाना मुझे खुद को नहीं पता है। सीन ये हो गया कि मेरा काउच सर्फिंग होस्ट जो है भाई ने धोखा दे दिया। कल रात तक मेरी बात उससे हुई, व्हाट्सएप पर बात भी हुई, बोला कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, घर पहुँचते आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। मैं ठीक है भाई, आज सुबह उसका फ़ोन ही बंद आ रहा है, तो मेरे पास अभी रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा मुझे पता नहीं है, पर मैं जुगाड़ कर रहा हूँ। मैं मेरे हॉस्टल के छत पे खड़ा हूँ और ये है इस्तांबुल शहर। पीछे एक बहुत सुंदर मस्जिद है, बट वो जिस हिसाब से उसका जो मीनार है ना, उसको शायद मीनार ही बोलेंगे, जो एकदम नीचे से पिलर गया और पॉइंटेड है, वो बहुत सुंदर है। वो कैसे खड़ा है मुझे पता नहीं, बट काफ़ी हाइट पे है और उस ऐसा कोई साइड में सपोर्ट दिख भी नहीं रहा है, बट बहुत सुंदर है वो। और सबसे एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि इस्तांबुल में फ़िलहाल हो रही है बारिश, हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है, कैसे वेदर जगह क्या पता, बट देख लेंगे भाई। मैं अभी इस्तांबुल जो है ना उसमें काफ़ी आइलैंड टाइप स्ट्रक्चर है, मतलब नदी जो है वो काफ़ी जगह से गुजरती है, तो मैं नदी के इस तरफ हूँ, मुझे नदी के उस तरफ जाना है। इसका नाम है बेसिक टास्क करके। Many hours later. भाई कल मुझे कोई होस्ट नहीं मिला था, लेकिन फाइनली वही होस्ट काम आया जिसने मुझे टांग दिया था। उसका बहुत दोपहर को, मतलब अराउंड 4 बजे हमारी बात हुई, वो बोला भाई एक्सट्रीमली सॉरी, कल सैटरडे नाइट था तो मैं दोस्तों सर पार्टी करने चले गया था, तो मैं वहीं रुक गया। मतलब मैं क्या बोलूँ उसको, मैं भी समझ गया, मैं ठीक है भाई सैटरडे था तो जो ऑफिस वाले लोग होते हैं उनको सिर्फ सैटरडे संडे टाइम मिलता है चिल करने के लिए, मैं भी जा रहा कुछ बुलाने। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर फाइनली मैं घर पे आया भाई, एक चीज़ मैं सीखा, पब्लिक को जज नहीं करना चाहिए, ये आदमी बहुत अच्छा है, ये होस्ट बहुत अच्छे हैं मेरे। हम लोग कल रात को, इसके दो दोस्त और आए, हम लोग पूरा इंडिया के बारे में बात किए, टर्की के बारे में बात किए, कितना कल्चर इनका जुड़ता है वो बात किए। आज प्लान है कि हम लोग कुछ इंडियन फूड बनाएंगे, अब देखते हैं। और मेरी होस्ट के पास है 2 बिल्ली, एक ब्लैक और एक वाइट, ये देखो। मुझे बिल्लियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, पसंद मतलब अच्छी है, क्यूट होती है, बट इतनी मतलबी प्राणी है ना, इतनी मतलबी है ना, इनका काम निकल जाए ये लोग किसी के नहीं होते। बट मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, बट यहाँ टर्की में आप डॉग कल्चर देखोगे नहीं, मैंने अभी तक एक भी कुत्ता देखा नहीं टर्की में, बट बिल्लियाँ बहुत है यहाँ पर। अब चलते हैं। Later that same evening. आज का व्लॉग में थोड़ा टेंशन चालू कर रहा, टेंशन मतलब मेरे जो काउच सर्फिंग होस्ट है जहाँ मैं इसके पास रुका हूँ, उनके कुछ दोस्त हैं, उनको मालूम पड़ा एक इंडियन आया है इनके घर पे, तो सब एक्साइटेड, तो कल वो लोग मिलने आए थे मुझसे, तो वो लोग बोलते कि कल हम इंडियन खाना बनाएंगे। मैं बोला ठीक है बनाएंगे भाई, उसमें क्या बनाएंगे। तो हुआ ये कि एक दोस्त जो है उसने पेंडेमिक में इंडियन खाना बनाना सीखा था, मेरे को लगा ठीक है भाई वो बनाएगी, मैं थोड़ा हेल्प कर दूंगा, थोड़ा उसमें इंडियन जो फ्लेवर है वो ऐड करना मैं कर दूंगा और भाई सब मिलके बनाएंगे। लेकिन नहीं, उनको चाहिए कि मैं बनाऊं खाना। अब ये बहुत बड़ा प्रेशर, क्योंकि मुझे खाना बनाने नहीं आता है, आता है खाना बनाना ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं सर्वाइवल वाला खाना बनाता हूँ कि भाई कुछ भी खा लो जिंदा तो रहोगे, वैसा खाना बनाता हूँ, और मैं उसी के सब पे मैं ट्रिप कर रहा हूँ। ये लोग अगर खिला दिया ये लोग हो जाएंगे डिसअपॉइंट। अब है बहुत बड़ा प्रेशर, तो मैं कुछ जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास जुगाड़ है, लेट्स सी। मैं खोलता हूँ मेरा पिटारा अभी, रेस्क्यू करने आया है मैगी मसाला, सबसे सॉर्टेड चीज है, इतना तो मैं श्योर हूँ, ये अगर डाल दिया मैं तो खाना अच्छा बन जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। तो आज मैं बनाऊंगा दाल और चावल, बिकॉज सबसे सिंपल है, चावल तो कोई बना सकता है, दाल बनाना थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज मुझे नहीं आता, मैं थोड़ा यूट्यूब वीडियो देखूंगा अभी और थोड़ा करता हूँ। चावल तो बहुत इजी है, चावल का टेंशन नहीं, मुझे टेंशन है दाल का, बिकॉज भाई के पास कुकर है ही नहीं, और कुकर में दाल ना बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है भाई, ये तो जो खाने के महारथी लोग होते हैं ना
वो लोग भी बिना कुकर के बना नहीं पाते, बहुत बड़ा ये चैलेंज है। अब मेरे पास ऑप्शन एक ही है, भाई के पास ये एक पॉट है, ये एक पॉट है, मैं इसी में दाल बनाने का ट्राई करता हूँ। बट पहला चावल बना दूंगा, जो चावल आसान है। बैकअप के लिए मैं क्या किया हूँ, मेरे पास रेडी टू ईट है, अगर मान लो गलती से खराब हुआ तो मैं वो चिपका दूंगा रेडी टू ईट, बोलूंगा मैं बनाऊँ, अब किसको मालूम पड़ रहा है। तो देखते हैं। तो ये है चावल, और ये चावल चावल नहीं, ये जो अपना इडली वाला चावल होता है ना, उखड़ा चावल बोलते, ये वैसा चावल है, थोड़ा ब्राउन टाइप, थोड़ा मोटा मोटा, जो भी बना पाए कुछ नहीं, खिचड़ी तो बन ही जाएगा। अब ये गैस ऐसा है कि भाई इसमें लाइटर वाला सीन नहीं, भाई शायद इंडक्शन है, क्या है पता नहीं, इंडक्शन तो नहीं है बिकॉज यहाँ पे ना गैस का पाइप है, बट चालू होता कैसे पता नहीं, बटन दबाओ तो चुट 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 करके आवाज आ रहा है, लाइटर है नहीं भाई, ये तो बड़ा समस्या है यार। बुलाता हूँ भाई का। लफड़ा ये हो गया कि मैंने चावल तो ले लिया, अब उसमें पानी कितना डालूं मैं, ऐसा ना कि वो गीला हो जाए, या एक काम करता हूँ मैं, कम पानी डालता हूँ, अगर कम हो गया तो ऊपर से और ऐड कर दूंगा, ठीक है देखते हैं। चलो भाई गैस तो चालू कर दिया मर मर के, बट तो ये है मेरे होस्ट, इनका नाम है सेमी। सेमी, यू आर टेकिंग अ वेरी बिग रिस्क टुडे, ओके? आई विल तो जब तक चावल बन रहा है दाल बनाना शुरू करते हैं। भाई के पास कढ़ाई है कि नहीं पता नहीं, और दाल जो है, दाल के लिए भाई बहुत लफड़ा है। एक तो दाल को क्या बोलते हैं समझता नहीं है, और इंडिया में दाल के 50 वैरायटी है, मसूर दाल, अरहर दाल, क्या क्या दाल है। हाय, इसका नाम है भूसा। भूसा रे, भूसा। तो ये मैडम ने मुझे बहुत प्रेशर दिया है, अब लेट्स सी कैसा बनता है। I don't understand. I say I am under a lot of pressure because I am cooking for the first time. Yeah. I have not even made anything for my family. Uh-huh. If my mom sees this video, uh-huh, she will say I never made for them, but I now I'm making for everyone. Okay. Yeah, see. Let's see. Thank you. भाई चावल बने ना बने, but जलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जल गया तो पूरी इज्जत चली जाएगी यार। इसलिए मैं धीरे 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 चावल को चला रहा हूँ ताकि जले ना। अभी आता है सबसे रिस्की पार्ट, वो है दाल। दाल का सीन ऐसा है कि मैंने थोड़ा सा इसको पहले आधा उबाल रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा पहले उबाल रहा हूँ। मैं उबाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, इससे मैं थोड़ा फिजिक्स लगा रहा हूँ मेरा, क्योंकि दाल जो होता है वो सॉफ्ट ही होता है, और क्योंकि प्रेशर कुकर नहीं है, प्रेशर कुकर में सॉफ्ट हार्ड चीज़ भी सॉफ्ट हो जाता है, तो मैं पहला इसको थोड़ा सॉफ्ट कर रहा हूँ, फिर जब तड़का लगेगा तब एक और हीट इसको मैं दूंगा, तब शायद और सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने टमाटर, प्याज और कुछ मिर्ची, ये पता नहीं क्या है, मिर्ची टाइप दिखा मेरे को, कुछ तो मिर्ची टाइप दिखा, बना रहा हूँ उसको, अब देखते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। भाई के पास कढ़ाई नहीं था, कढ़ाई मतलब ऐसा कढ़ाई जो अपने यहाँ पे मिलता है, बट ये कुछ तो बर्तन दिखा जो कढ़ाई टाइप दिखता था, तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ। अभी हम डाल रहे हैं ये प्याज, टमाटर और ये जो टाइप का मिर्ची है वो। ये अपना सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, और तो वो सबसे सबसे बड़ा जुगाड़। You are like looking professional. The food might not taste like a professional. ये मैं दाल को थोड़ा उबाल रहा हूँ, यहाँ पे लहसुन
टमाटर वो सब थोड़े बहुत पक गए हैं, मेरे ख्याल से पक गए हैं। चावल थोड़ा कच्चा हो गया था, उस पर और पानी डाला, थोड़ी देर उसको और उबाला। चलो भाई दाल भी बन गया है, टेस्ट कैसा है मुझे बिल्कुल पता नहीं है। बहुत से इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें नहीं था, मैंने सिर्फ टमाटर डाला, थोड़ा मिर्ची डाला, नमक डाला, प्याज डाला और दाल डाला, जीरा नहीं था, बहुत कुछ नहीं, मैगी मसाला डाल दिया मैंने, बट मुझे लगता नहीं उससे कुछ असर होने वाला है। अब देखते भाई इनकी किस्मत। हाय इंडियन, हाय इंडिया, हाय इंडिया, हाय इंडिया, म्यू इंडिया, इंडिया, इंडिया। तो प्लीज बी ऑनेस्ट, आई नो इट्स गोइंग टू टेस्ट बैड, बट प्लीज बी ऑनेस्ट व्हाट आर इट इज। If it tastes bad, I have a backup too. We have that best thing, don't worry. That is the tastiest thing. Okay. Because do we have to put this on this? It depends on you. You can take this and this. This is soup. It's not a soup, it's a dal. It's dal. And you can mix this too. I'm gonna mix that. Yeah, mix it and eat together. Okay. Is it true? Right. I think it's true. I am much true. We eat it with our hands. Ah, like Afghan people. Yeah. But can I use fork? Yeah. Thank you. It's so similar to dish in Turkey. What it is called? Mercimek çok. Yeah. It's based on mercimek. What is mercimek? Mercimek is that thing you that some kind you of use when you that's green thing and lentils you yeah. Use orange one. Yeah. Yeah, that's mercimek. Okay. We have a soup tastes like this. Uh-huh. And it's feel like it's like that but less water. Okay. Like. This one is so tasty. It's not tasty, I know. It's really tasty. No, it's so tasty. I like it. It's so tasty. I like it. What's the name of it? It's just called dal and chawal. Dal and chawal. Chawal. I'm eating dal and chawal. 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 Yeah. This one dal. Yeah. I love dal. Dal and chawal. एक्चुअली बुरा नहीं बना है, जब थोड़े चावल में बहुत सारा दाल डालता हूँ तो टेस्ट एक्चुअल में अच्छा कर रहा है। दाल एंड चावल। सब लोग अपने अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं इसको। चलो भाई देश का नाम बच गया, बट ठीक है खाना अच्छा बना है, पेट भरेगा। मेरे को लगता है मैं 2-3 बार अगर ट्राई करूं तो मैं इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं। Yes. Evet. That was such a nice meal. Thank you so much. I'm going. Tata. Yeah. चलो भाई लोग जा रहे हैं। रिव्यू अच्छा था। I hope to see you again in future. Yes. 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 Oh yeah yeah. Thank you. In the summer. चलो बाय 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 बाय। खाना खा के हो गया तब मुझे समझा कि भाई यहाँ पे ठंडी कितनी है, क्योंकि मैं कब से गैस के सामने था तो मुझे इतनी ठंडी फील हुआ नहीं, बिकॉज मैं गर्म फील कर रहा था। अब जब रूम में आया शांति से बैठा थोड़ी देर तब आना पड़ा भाई बहुत ठंड है यहाँ पर। एनीवेज ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था काउच सर्फिंग में इस तरह का, और मैं उससे बहुत खुश हूँ। पहली बात तो उनका एक एक्सपेक्टेशन था कि मैं खाना बनाऊँ, मुझे नहीं आता था, बट मैंने ट्राई किया और सरप्राइजिंगली वो अच्छा भी बना।
अब भले उनका क्या पसंद है मुझे पता नहीं, बट मुझे खुद का खाना पसंद है और मैं उससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी दाल नहीं बनाया था, कभी भी नहीं। मैंने सिर्फ मेरी मम्मी को देखा था कि बनाती कैसे, फिर मैंने वैसे ही थोड़ा बहुत इमेजिन करके बना दिया। अब बहुत से इंग्रेडिएंट्स यहाँ थे नहीं, पहले तो यहाँ कढ़ाई था नहीं, अगर मैं उसको जीरा था नहीं, यहाँ पर बहुत से आइटम थे नहीं, तो मैंने टमाटर प्याज के थ्रू ही जो सही लगा बना दिया, बट अच्छा लगा, मैं खुश हूँ उससे। और अच्छी बात ये है ना कि अच्छा हुआ ये हुआ, क्योंकि अगर मान लो मैं बोलता नहीं मुझे बनाना आता है नहीं, मैं बनाऊंगा नहीं, पहली बात तो एक काउच सर्फिंग का एक्सपीरियंस खराब हो जाता, शायद से वो इंसान जो मेरा होस्ट है वो अगली बार किसी इंडियन को होस्ट नहीं करता। तो अच्छा हुआ मैंने कोशिश किया, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो गया है कि नहीं भाई मैं बना सकता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। कल को मान लो अभी तो बहुत बड़ा ट्रिप बचा है, रास्ते में कोई और होस्ट मिला बोला कि नहीं इंडियन खाना खाएंगे, तो मुझे पता है मैं यही बना सकता हूँ, बट अगली बार जब बनेगा तो और अच्छा बन सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है इस इस्तांबुल के काउच सर्फिंग एक्सपीरियंस में। तो बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, मैं मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और नए नए चीज़ों के साथ। चलो गुड नाइट।